नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल सरकारी नौकरी पॉइंट पे। दोस्तों RRB NTPC अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, जिन सभी कैंडिडेट ने RRB NTPC के लिए अप्लाई किया है और एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, RRB के NTPC के एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर न्यूज़ पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में न्यूज़ आया है, जहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका RRB NTPC का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है न्यूज़ पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में RRB NTPC के एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे कोई भी अपडेट आता है RRB की तरफ से, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं न्यूज़ पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ जो भी यहाँ पे अपडेट आया है RRB NTPC के एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर। सकते हैं हम अभी जनसत्ता.com के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं और यहाँ पे दोस्तों लाइव अपडेट दी गई है, आप देख सकते हैं लाइव नाउ RRB NTPC 2020 CV1 एडमिट कार्ड सिलेबस लाइव अपडेट, RRB NTPC के एडमिट कार्ड जल्द, ये है एग्जाम का पूरा पैटर्न और सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, RRB NTPC के एडमिट कार्ड को लेकर यहाँ पे अपडेट दी गई है, यहाँ पे उसके साथ साथ दोस्तों पूरा एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस भी यहाँ पे दी गई है, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो अपडेट आया है बिल्कुल लाइव अपडेट है, यहाँ पे आज 20:04 के यह लाइव अपडेट दी गई है जनसत्ता.com के ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पे अपडेट दी गई है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं RRB NTPC 2020 CV1 एडमिट कार्ड एग्जाम डेट सरकारी रिजल्ट 2020 लाइव अपडेट। यहाँ पे दोस्तों बताया RRB NTPC के तहत रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले के लिए जल्दी खुशखबरी मिल सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लगातार तैयारी में लगा है कि उसके द्वारा तय की गई है तारीख पर एग्जाम ही कराया जा सके। उसके बाद दोस्तों बताया RRB ने 15 दिसंबर से CV1 कराने की प्लानिंग की है, इस तारीख के वो घोषणा भी कर चुके हैं। एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद साफ हो जाएगा कि एग्ज़ाम की फाइनल तारीख, समय और एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। मोबाइल, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयर प्लग, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जैसे भी सभी उपकरण परीक्षा हॉल में प्रतिबंधित होंगे, उम्मीदवार इन्हें साथ रखने से बचे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है आप एग्ज़ाम के हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले से ही बताया गया कि RRB की तरफ से आप कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ईयर प्लग हो गया, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी हो गया, कोई भी चीज़ जो है आप एग्ज़ाम के हॉल में एग्ज़ाम सेंटर में नहीं ले जा सकते। उसके बाद दोस्तों बताया उम्मीदवार को एग्ज़ाम सेंटर पर अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर पहुँचना था, ऊपर सर अपना एक पासपोर्ट आकार का नया फोटो भी लगा ले, इसके साथ उम्मीदवार अपना एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी ओरिजिनल और उसका एक फोटोकॉपी साथ लेकर एग्जाम सेंटर में पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है आपका जो फोटोकॉपी का आइडेंटिटी कार्ड है उसके साथ साथ एक फोटोकॉपी उसको लेके जाना है, और आपका फोटोकॉपी जो है और ओरिजिनल जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो भी आपको साथ लेके जाना है फोटोकॉपी के साथ साथ। उसके बाद दोस्तों बताया परीक्षा के दिन ई कॉल लेटर के साथ ले जाना जरूरी होगा, इसके साथ कोई भी वैध फोटो पहचान पत्र भी ले जाए, यानी कि दोस्तों आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या तो फिर पैन कार्ड हो तो आपको लेके जाना पड़ेगा। पहचान पत्र की फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी, यानी कि दोस्तों अगर आप जेरोक्स कॉपी लेके जाएंगे तो फोटोकॉपी लेके जाएंगे, ओरिजिनल कॉपी नहीं लेके जाएंगे तो आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड पर आवेदक की फोटो, नाम, परीक्षा की तारीख और समय के साथ साथ परीक्षा केंद्र की जानकारी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी एडमिट कार्ड मिलेगा वो एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन से डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसी एडमिट कार्ड के आपका नाम, आपकी एग्जाम डेट, आपकी एग्जाम सेंटर सब कुछ उसी एडमिट कार्ड पे आपका होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे लाइव अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही RRB रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।